इसी महीने की जुलाई महीने की 8 तारीख को मुझे डॉक्टर कलाम के साथ बिताने का मौका मिला, आधा दिन। मौका था भारत सरकार का राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ, और वहाँ पर भी डॉक्टर कलाम ने इस बात पे बल दिया कि जो युवा चैंपियंस हैं, जो विज्ञान से जुड़े हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और आए दिन कोई ना कोई ऐसा आविष्कार बनाएं जिससे हम सभी का जीवन और सरल हो जाए। देखिए, पोलियो से अब भारत मुक्त हो चुका है, तो क्या अन्य बीमारियों से भी मुक्त हो सकता है? भूकंप को क्या हम पहले से आँक सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं, और इसीलिए डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि स्टूडेंट्स जिज्ञासु बने, सवाल पूछेंगे तो जवाब अपने आप आएंगे। और यहाँ जो जो वह चैंपियंस बैठे हैं उनसे भी हमें उम्मीद है कि वह भारत के विकास और उन्नति को और आगे ले जाएंगे, और जो विजन 2020 का मार्गदर्शन डॉक्टर कलाम ने दिया उसे पूरा करने में आपका सहयोग भी रहेगा। लेकिन एक और बात है, वो चाहे डॉक्टर कलाम हो या बाकी रोल मॉडल्स, हमेशा कहते हैं खासतौर से युवाओं को कि वे अपनी सेहत को बिल्कुल ठीक रखें। और जब सेहत की बात आती है तो इस साल हमने देखा 21 जून को न केवल भारत ने बल्कि विश्व भर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग भारत की एक प्राचीन प्रणाली है, 5000 वर्ष से भी पुरानी, और योग दिवस के मद्देनज़र एक बार फिर से हम सभी कहीं ना कहीं योग से जुड़ गए। और अब अगली प्रस्तुति योग दर्शनी है, जहां पर सचिन और उनके टीम के सदस्य एक बहुत ही अनोखे अंदाज से हमें योग से जोड़ेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे हो,
छोड़ सुन नंद दुलारे होई न मीत हमारो तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो किसके द्वारे जाए पुकारू और न कोई सहारो से कोई भी ऐसा कुछ घर में करना चाहे तो कुशल प्रशिक्षक के सानिध्य में ही करे। हम में से कितने लोग योग करते हैं जी? बाकी लोग जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, क्या आप जानते हैं कि सांस लेना भी योग करना ही है? और अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो कृपया डॉक्टर से मिलें, लेकिन आप योग जरूर करें। देखिए, ज्ञान और ज्ञान का उपयोग दो अलग चीजें हैं, और योग में बहुत ज़रूरी है कि उसका सही सीक्वेंस भी हमें पता हो। अक्सर प्रार्थना से शुरुआत होती है, फिर चालन क्रियाएं कि जो जॉइंट हैं उन्हें आप थोड़ा मूव कर लें, फिर आसन, आसन में भी पहले स्टैंडिंग पोस्चर, फिर सिटिंग पोस्चर, फिर प्रोन पेट के बल पे, फिर सुपाइन पीठ के बल पे, फिर चौथे नंबर पे है कपालभाति, जो कि क्रिया है। कपालभाति आसन नहीं है। आसन में आपने एक बार मुद्रा ली जिसमें आ गए, फिर अपनी आनंदमय स्थिति से उसमें रहे आप, फिर मूवमेंट नहीं होती। कपालभाति क्रिया है जो क्लियर कर देती है आपकी नॉस्ट्रल्स। पांचवें नंबर पे आपका प्राणायाम अनुलोम विलोम, और छठे नंबर पे जिसे हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो है ध्यान। तो योग सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, योग ध्यान पर भी बहुत बल देता है। और अगर गीत संगीत की बात करें तो वो भी एक तरह का ध्यान ही है। म्यूजिक हैज़ एन इनहेरेंट डिविनिटी। व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक इट हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट डिविनिटी दैट ऑल ऑफ अस हैव। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर नाउ फॉर अभिषेक, who's going to sing a very melodious song for all of us. Aaj unse pehli mulaqat hogi. इससे पहले कि मैं गाना शुरू करूं, मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे गाने के साथ जुड़ें। जुड़ेंगे आप लोग मेरे साथ? जुड़ेंगे? ठीक है। अभिषेक। यस सर। अभिषेक, एक सस्पेंस खोल दूं? बिल्कुल। मैंने कहा था गीत है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी। आपकी मुलाकात तो हो गई क्योंकि कल ही हमने आजादी दिवस मनाया है। आप हमारे लिए वो गीत गा सकते हैं? है प्रीत जहां की रीत सदा। जो आप बोले वो गीत मैं आपको। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अभिषेक जी का। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आ
भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता नद समो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले बढ़ता ही रहे और फूले फले चुप क्यों हो गए और सुनाओ है प्रीत जहां की सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा है प्रीत जहां की रीत सदा है
मेरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुर गीत पेश करने के लिए अभिषेक। और अब वक्त आ चला है पुरस्कार वितरण का, रिवॉर्ड देने का। एक बार मैं आपको प्रक्रिया फिर से बता दूं। ये है चैंपियंस डे, आज का दिन। लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हुई। ये जो पूरी सोच थी ये तो 2013 से शुरू हुई, जो कि एलन करियर इंस्टीट्यूट की 25वीं सालगिरह थी। तब ये आइडिया आया कि जो लोग टैलेंटेड हैं उन्हें पहचान क्यों ना मिले, और पहचान केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल रिकग्निशन। तो आप में से जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, और भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपियाड में अच्छा किया है, जैसे मैंने पहले कहा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा किया है, और इसलिए कुछ मापदंड बने। आपसे आग्रह किया गया कि lnchamp.com वेबसाइट पर आप जाएं, और इस साल जो कि उसका दूसरा संस्करण है एलन चैम्प अवार्ड्स का, आप रजिस्टर करें। पिछले साल ऐसी ही सेरेमनी का पहला संस्करण था। पिछली बार हमें 3000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मिले, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि दूसरे ही संस्करण में इस बार 8000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्टर कराया। और ये चैंपियंस केवल कोटा, राजस्थान, दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं थे, पूरे देश। ये एक नेशनल इवेंट था, और उसके बाद वहाँ पर कुछ सेट क्राइटेरिया था, जिसके कुछ सेट मार्क्स भी थे, उसके अनुसार इवेल्युएशन हुआ, और 400 प्लस स्टूडेंट्स उस कैटेगरी में आए जिन्हें की ट्रॉफी दी जाएगी, और वो अपने आप में चैंपियन हैं। और फिर हर एक कैटेगरी के लिए क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक 10 ऐसे मेधावी छात्रों को चुना गया जिन्हें हर पैरामीटर के हिसाब से जूरी ने टॉप 10 में पाया। और फिर आज सुबह जो आपने एक्टिविटी की वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थी, कि ना केवल पढ़ा ही, बल्कि चाहे जनरल स्टडीज़ की बात हो, बिहेवियर की बात हो, संस्कारों की बात हो, उस सब पैमाने पर रैंक 10 से लेकर रैंक 1 की घोषणा आज शाम होगी। तो सबसे पहले हम रैंक 10 से शुरू करेंगे, फिर रैंक 9 करते करते हम रैंक 1 पर आएंगे। आपसे अनुरोध कि जब हम रैंक 10 से शुरू करें, सबसे पहले मैं क्लास 5th रैंक 10 पर आए स्टूडेंट का नाम लूँगा, वह विद्यार्थी मंच पर आ जाए। यहाँ पर मार्कर्स बने हुए हैं, यहाँ लिखा है 5th क्लास। तो जब स्टूडेंट स्टेज पे आएंगे, जो 5th क्लास स्टूडेंट के मान लीजिए 10th रैंकर हैं, सबसे पहले वो यहाँ आके खड़े हो जाएं। फिर 6th क्लास के 10th रैंकर, फिर 7th क्लास के, देखिए मैंने वैसे तो कोई रैंक ली नहीं एकेडमिकली, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ खड़े होके, तो ऐसे आके यहाँ 12th क्लास तक के रैंकर्स आ जाएंगे। और फिर मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को, जो कि उन्हें सम्मानित करेंगे। और एक बार जब सभी विद्यार्थियों को सम्मानित कर लिया जाएगा, फिर वो गौरवपूर्ण क्षण आएगा जब हम उन विद्यार्थियों के रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे, क्योंकि एलन का मानना है कि चैंपियन इज नॉट अ सिंगल एफर्ट, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो हम नमन करते हैं सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को, सभी मेंटोर्स को, जो बहुत मेहनत करते हैं तब जाके वो स्टूडेंट रिजल्ट दे पाता है। तो वो रिलेटिव्स भी बाद में आएंगे, जब मैं आपको आग्रह करूंगा तभी रिलेटिव्स आएंगे, पहले विद्यार्थी आएंगे। तो चलिए रैंक 10 से शुरू करते हैं। और रैंक 10 के अनाउंसमेंट से पहले मैं डॉक्टर गिरीश वर्मा जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जो हमारे बीच पहुँच चुके हैं, और मैं चाहूँगा गोविंद सर उनका फूलों से स्वागत करें। डॉक्टर गिरीश वर्मा जी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कोटा। प्रेम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। प्रेम प्रकाश जी कमिश्नर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोटा, गोविंद सर से आग्रह। और प्रेम प्रकाश जी के बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर कह दिया है प्रेम प्रकाश जी, ऐसा ना हो कुछ लोग आयकर की बात होती है तो थोड़ा घबरा जाते हैं। प्रेम प्रकाश जी एक कलाकार भी हैं, पोएम्स भी लिखते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, तो उनसे ज़रूर आग्रह रहेगा कि जैसे शाम आगे बढ़ेगी कि अपने कुछ कविता की लाइनें भी ज़रूर हमसे साझा करें। चलिए, रैंक 10 की बात हो रही थी तो सबसे पहले सबको गुड विशेस। कुल मिलाकर हर कक्षा में टॉप 10 रैंकर्स हैं, तो 8 क्लासेस के 80 स्टूडेंट्स हुए, लेकिन पहली कैटेगरी में 2 स्टूडेंट्स कम हैं तो 8 हैं। क्लास 5th में ऑल इंडिया रैंक 10 पर ध्रुव कुंद्रई, बहुत बहुत मुबारकबाद ध्रुव, कृपया मंच पर आ जाएं। ध्रुव के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने सही स्थान ले लिया है। पहला व्यक्ति सही स्थान ले ले तो बाकियों का अपने आप सब सही। छठी कक्षा में 10वीं रैंक पर रहे अर्णव वार्ष्णेय, सातवीं कक्षा में 10वें स्थान पर शाश्वत जैन, कक्षा में 10वें स्थान पर आयुष पटनायक, नौवीं कक्षा में 10वें स्थान पर कुंजल परिणामी, और 10वीं कक्षा में 10वें स्थान पर यश जैन का स्वागत है। दसवीं रैंक पर आए छात्रों को सम्मानित करने के लिए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नरेश बुंदेल जी को। नरेश बुंदेल जी कृपया मंच पर आएं, और साथ ही एलन करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गोविंद महेश्वरी जी से मेरा आग्रह, गोविंद सर प्लीज कम। क्लास से ही शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं गणमान्य अतिथि से अनुरोध करूंगा ध्रुव कुंद्रई को सम्मानित किया जाए। दसवीं रैंक पर आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है, 21,000 रुपए नकद राशि से सम्मानित किया जा रहा है। और ये प्रोत्साहन देगा इन युवाओं को कि आगे चलकर ये देश को विकास के पथ पर अग्रसर लेते जाएं। अर्णव वार्ष्णेय, नरेश जी मेडल से अर्णव को सम्मानित करते हुए। शाश्वत जैन,
आयुष पटनायक। कुंजल परिणामी सिल्वर मेडल से सम्मानित किए जा रहे हैं, ट्रॉफी सर्टिफिकेट और 21,000 रुपए की नकद राशि। और फाइनली 10th क्लास के स्टूडेंट यश जैन। और अब मैं आग्रह करूंगा इन सब स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स से, मम्मी पापा दादा दादी जो भी आज यहाँ पर हैं, भाई बहन, कृपया आ जाएं, कृपया आएं मंच पर जी, और अपने अपने बच्चों के साथ आ जाएं। बहुत ही सुनहरा मौका है, स्वर्णिम ये समय है कि जब पूरा परिवार यहाँ पर होगा मेधावी बच्चों के साथ। हाँ जी जी, अपने अपने बच्चों के पीछे आप खड़े हो जाएं जी। पेरेंट्स की अथक मेहनत, आशीर्वाद और प्रयास के चलते ही बच्चे सफल होते हैं। एक बार पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी 10 नंबर पे आने वाले रैंकर्स को। आपसे आग्रह कि आप अपनी सीट वापस ग्रहण करें और नरेश जी से, गोविंद जी से आग्रह कि कृपया मंच पर ही रहें आप दोनों।